कानपुर पुलिस कमिश्नर की टीम को मिली सफलता। कानपुर डीसीपी साउथ रवीना त्यागी के निर्देश में बड़ा खुलासा। बड़े वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया। चोरों के 41 वाहन किए गए बरामद। कई थाना क्षेत्रों में कर चुके हैं वाहन चोरी की वारदातें। पिछले 4 सालों से कर रहे हैं चोरी की वारदातें। पुलिस ने दी साथियों को गिरफ्तार। फरार चल रहे युवक आरोपी को तलाश है जारी। आरोपी नीरज सिंह और मोहित सिंह गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं। एक आरोपी हॉस्पिटल और बाजार में रहते थे टारगेट में। गिरोह में वाहनों की रोकी करने वाले भी तलाश। पुलिस अभी तक वाहनों की कर सकती है बरामद। पिता और चाचा हो चुके हैं गिरफ्तार। आजीवक कारावास। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये की इनाम दिया गया। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने दी जानकारी। नवबस्ता थाना पुलिस और स्वाट टीम को सफलता। देखिए, आज ये थाना नौबस्ता की टीम द्वारा 41 गाड़ियों की बरामदगी की गई है, जिसमें 2 जो स्टेट लेवल के वाहन चोर थे वो पकड़े गए हैं। इसमें 3 लोगों का कुल गैंग है, जिसमें 2 को आज अरेस्ट कर लिया गया है और 41 कुल वाहन इसमें बरामद किए गए हैं। जी, करीब 11 जो मुकदमे हैं वो अभी तक लिंक कर लिए गए हैं। बाकी सभी जितनी भी और गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके संबंध में अभी पूछताछ जारी है और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कनेक्ट करने का। ये इसमें कई जिलों से कनेक्ट होने की बात सामने आ रही है। हमीरपुर मेनली जो जनपद है, उन्नाव जनपद है, इन जनपदों में बेचने की बात सामने आ रही है। बीहड़ में अधिकतर ये बेचा करते थे अपने वाहनों को ले जा करके। इसमें जो 2 गिरफ्तार अभियुक्तगण हैं, एक का नाम है बउवन उर्फ नीरज सिंह और मोहित सिंह चंदेल। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना बिधनू क्षेत्र में आता है, कानपुर आउटर में। एक व्यक्ति जो अभी फरार है उसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उसको अरेस्ट करने का प्रयास जारी है। एक जो बउवन उर्फ नीरज सिंह है, उसके पिता और चाचा दोनों ही हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा में जेल में है। नहीं, इसमें जो अभी तक हमारे पास जो कनेक्ट हुए हैं मुकदमे वो 11 हैं। बाकी इनकी पूर्व में जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। मैडम, चुराते थे कौन, किस जगह को टारगेट करते थे? ये मोस्टली जो सॉफ्ट टारगेट इनका होता था वो हॉस्पिटल, सब्जी मंडी के आसपास का एरिया ये लोग टारगेट किया करते थे। अच्छा, ये जो घटना नहीं, इसमें काफ़ी दिनों से हमारी टीमें लगी हुई थी। जो पूर्व में घटनाएं हुई थी सभी को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने एक टीम गठित करी थी और उसके क्रम में ये बरामद की। ये इसमें जो अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके क्रम में ये चीज़ सामने आई है कि ये फर्जी कागज़ बनवा करके बेचने का काम करते थे, जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चीज़ें खुल करके सामने आएंगी।